आज के इस लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 8.5 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बीच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन वाई। अपन को सिर्फ चेक करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन ऑर्डर एक्स है कि इन ऑर्डर वाई है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर डीवाई अपॉन डीएक्स माइनस 2xy इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस वाई। इसका बेसिक मैंने पहले वाले वीडियो में पार्ट वन में समझा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर y क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर x क्या होती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, पहले आप उसको बेसिक को समझ लीजिएगा, उसके बाद में इसको आपको समझेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर अपने पास जब भी अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy / dx के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई होता है तो सबसे पहले अपन उसको कॉमन लेते हैं, कॉमन नहीं भी आता है तो भी उसको कॉमन लेते हैं। तो ये अपने एक्स स्क्वायर को सबसे पहले यहां से कॉमन लेंगे, तो जिसके साथ में एक्स नहीं है वो उसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, डीवाई अपॉन डीएक्स माइनस का 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में अपने पास एक्स क्यू प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 5। अपन इसको चेक करेंगे, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो उसके नीचे लिख देंगे यस इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म वाई, और अगर कन्वर्ट नहीं होती है तो नो लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर उसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं समझाने के पर्पस से इस टाइप से कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 अपॉन में एक्स इंटू वाई, और ये अपना एक्स क्यू प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसके बेस को सेपरेट कर देंगे, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो अपने पास जो बचेगा डीवाई अपॉन डी एक्स माइनस का 2 अपॉन में एक्स वाई, यहां पर आप सेपरेट करेंगे तो एक्स बचेगा प्लस का 2 बचेगा माइनस का 5 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, जिसको मैं डायरेक्टली एक्स टू दी पावर माइनस 2 लिख देता हूं। तो ये देखिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा कन्वर्ट हो गया, जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डीवाई अपॉन डीएक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहां पर पी बाय क्यू के फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रही है तो बोल देंगे दिस यस दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन वाई, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन वाई। तो ये अपने पास इस टाइप से लिखना है, या सिंपल आप एफ भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको चेक करना है, छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको चेक करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई के टर्म में है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, dy / dx के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई हमारी वो कॉमन लेंगे, तो जब कॉमन लेते हैं तो जिसके साथ नहीं उसके डिवाइड में पहुंचा देंगे, और ये कॉमन आने वाली टर्म सामने पहुंच जाएगी। वहां पर सामने पहुंचने के बाद इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म अपना कौन सा था, dy / dx प्लस का p / इक्वल टू q, इस फॉर्म में अगर ये कन्वर्ट हो रही है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ऐसा अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम है, क्वेश्चन में चेक करना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर वाई टर्म में है या एक्स टर्म में, अपन को चेक करना है। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या करेंगे कि इसको डीवाई अपॉन डीएक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये जो टर्म्स है इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो एक्स इंटू में लॉग एक्स ये डीवाई इक्वल टू में माइनस का 3y माइनस 5 लॉग एक्स इंटू डीएक्स, इस टाइप से अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये जो dx है इसके डिवाइड में यहां पे पहुंचा देंगे तो ये बचेगा x इंटू लॉग एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3y प्लस का, ये हो जाएगा अपना 5 लॉग एक्स। अब अपन हमेशा जो dy / dx + p / इक्वल टू q के फॉर्म में जो टर्म्स होती है तो उसमें y वाली टर्म को इधर लाते हैं, तो अपन ये जो y वाली टर्म है उसको इधर लिखा जाते हैं, तो ये बचेगा अपना x log x dy / में dx प्लस का 3y इक्वल टू में 5 log x, ये अपना इस टाइप से बचेगा। और मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया है, और आगे भी जो अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जब भी dy / dx के साथ में कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में होती है तो उसको सबसे पहले अपन कॉमन लेते हैं। तो ये dy / dx के साथ में जो टर्म है x log x, इसको कॉमन ले लेंगे, ये नहीं आ रही है फिर भी कॉमन ले लेंगे। इन क्वेश्चंस में 8.5 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें अपन को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। जब अपन ने कॉमन लिया तो dy / dx के साथ कॉमन चला गया, पर 3y के साथ नहीं था तो उसके डिवाइड में पहुंच जाएगा x log x इक्वल टू, ये अपने पास 5 log x इधर बचेगा। अब ये वाली जो टर्म होती है कॉमन आती है, हर बार इसके डिवाइड में जाती है,
तो ये आपके पास बचेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का 3 अपॉन में एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू ये बचेगा 5 लॉग एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास जो टर्म बचेगी एक्स लॉग एक्स बचेगा। तो अपने पास ये लॉग से लॉग क्या हो गया कैंसिल हो गया, जो फाइनल टर्म बची है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 3 अपॉन में एक्स इंटू लॉग एक्स बाय इक्वल टू ये अपना 5 अपॉन एक्स बचेगा। और अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द टर्म ऑफ बाय में पढ़ा है कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी बाय इक्वल टू क्यू होता है। पी और क्यू जो होते हैं या तो एक्स के फंक्शन होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी बाय इक्वल टू क्यू में, तो अपन लिख देंगे यस इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यस इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई, एस इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ वाई इन वाई, इस टाइप से लिख देंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सिर्फ चेक करना है जिसके अंदर अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई है या एक्स है, ये अपन को चेक करना है। और एक एम एल अग्रवाल की जो बुक है एक्सरसाइज 8.5 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें दोनों ही क्वेश्चन फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपके इन द टर्म्स ऑफ बाय के क्वेश्चन दिए हैं और सेकंड क्वेश्चन इन द टर्म ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे डीवाई वाली टर्म को उधर रखेंगे डीएक्स वाली टर्म को उधर ले जाएंगे डीएक्स उसके डिवाइड में लेके आएंगे, एक कॉमन लेने के बाद जब अपन वाई वाली टर्म को उधर ले आएंगे डीवाई अपॉन डीएक्स के साथ में जो भी टर्म मल्टीप्लाई में होती है वो अपन पहले कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेते हैं तो जिसके साथ में नहीं होता उसके डिवाइड में पहुंच जाएगा और ये वाली टर्म उसके डिवाइड में लॉग से लॉग कैंसिल हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई डीवाई अपॉन डीएक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू में कन्वर्ट हो गई, यस लिख देंगे यस इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन वाई, इस टाइप से अपना आंसर हो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है बीच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन एक्स, ये एक्स के फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है चेक करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था बाय के फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है वो अपन को चेक करना था, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने को dx अपॉन dy माइनस का 2x y अपॉन में y इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 5 प्लस dy अपॉन dx, तो आपने इसका इसमें कुछ कॉमन तो लेना नहीं है क्योंकि dy dx अपॉन dy के साथ कुछ ही नहीं है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अपने पास यहां पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म पर ने पढ़ा है कि dx अपॉन dy प्लस का px इक्वल टू q होता है, तो आपको बिल्कुल सेम ऐसा दिख रहा है कि यहां पे जो p और q होते हैं वो y के फंक्शन होती है, तो यहां पे भी देखो y का फंक्शन है x के जो मल्टीकोफिशिएंट होता है या तो y का फंक्शन होता है कांस्टेंट होता है और सामने जो टर्म होती है वो y के फंक्शंस होती है, तो अपने को डायरेक्टली लिख देंगे यस इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन x, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर इन एक्स, ये एक्स के फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूले से डायरेक्ट मैच हो रही है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन को चेक करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन द टर्म ऑफ एक्स है कि नहीं है, सबसे पहले अपन इसको देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है कि नहीं, तो इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, तो अपन सबसे पहले यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे जो भी डीएक्स अपॉन डीवाई के साथ में या वाई वाले फॉर्म में डीवाई अपॉन डीएक्स के साथ में होता है उसको कॉमन ले लिया जाता है, नहीं आता है फिर भी अपन यहां से कॉमन लेते हैं तो ये 2x क्यूब बाय अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा, आप डायरेक्टली भी यहां से कॉमन ले सकते थे मैंने समझाने के पर्पस से ऐसा कर दिए, तो 3 बाय स्क्वायर माइनस 2 ये इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो आपके पास जो टर्म बचेगी dx अपॉन में डी बाय प्लस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2x y इक्वल टू 3 बाय स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर अपने पास बचेगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द टर्म ऑफ x नहीं है, तो अपन लिख देंगे इट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज नॉट लीनियर, इट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x, x के फॉर्म में क्यों नहीं है क्योंकि उसका रीजन भी देख लो, आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा है यहां पे x के फॉर्म में होता है तो dx अपॉन में dy प्लस का px इक्वल टू q होता है, यहां पे जो p और q होते हैं ना वो x के फंक्शंस होते हैं या फिर कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो यहां पे p तो x का फंक्शन है पर यहां पे जो q है ना
वो एक पी और क्यू जो होती है ये बाय इट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर, इट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, बिकॉज कि अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, ये जो p और q होते हैं वो y के फंक्शंस होते हैं या फिर कोई कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ पे p जो है ना वो अपने पास यहाँ पे दिया हुआ है 2y, p की वैल्यू तो अपने पास यहाँ पे 2y हो जाएगी, y का फंक्शन गिवन है, बट जो q है ना q वो केवल y का फंक्शन नहीं है, वो x y का फंक्शन है, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास, सबसे पहले अपने x स्क्वायर कॉमन लिया, x स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो उसको सामने साइड पहुंचा देंगे, यहाँ पे जो p और q है अगर नीचे dy वाई दिए तो दोनों ही y के फंक्शन होना चाहिए, अगर x के बने तो dx के फंक्शन होना चाहिए, पर ये dy के बने तो यहाँ पे p भी, p की जो वैल्यू होगी वो 2y होगी, पर q जो है ना वो x y का कॉम्बिनेशन है, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट ऑर्डर इन x नहीं है। अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपने को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, इसमें चार क्वेश्चंस गिवन है, मैं आपको यह समझ के पढ़ा रहा हूं कि इसका बेसिक आपको पता है, अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसके फर्स्ट लेक्चर को देखिएगा, उसमें आपको बेसिक दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये इधर माइनस में गिवन है, इसको उधर प्लस में ले जाएंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी वाई डी एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस का टू वाई स्क्वायर डी वाई, इस टाइप से आपकी इक्वेशन बनेगी। अपन यहां से d, ये जो अपने पास dy वाई गिवन है, इस टर्म को इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो y dx अपॉन में dy और इक्वल टू अपने पास बचेगा x प्लस का 2y स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन है x के फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तो dx अपॉन dy प्लस px होता है, तो x वाली टर्म को इधर ले आएंगे तो y इंटू में dx अपॉन में dy और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू आपके पास 2y स्क्वायर बनेगा ऐसा। अपन ने पढ़ा है कि जब भी आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है अगर उसके साथ में dx अपॉन dy के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में होता है तो सबसे पहले इसको अपन कॉमन ले लेते हैं, तो जब अपन इसको कॉमन लेंगे तो ये बाय इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, और यहाँ पे लिखते नहीं है कि डायरेक्ट कॉमन लेते हैं, लिखेंगे कुछ भी नहीं कि अपन कॉमन लेने पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली आप कॉमन लेंगे, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इसमें आप डिवाइड कर देंगे बहुत सारी, वो भी सही है, बाय को आप इधर डिवाइड में ले जाओगे, जो अपन ने कॉमन लिया तो dx अपॉन dy के साथ में तो यहाँ पर बाय था इसलिए कॉमन चले गया, पर x के साथ में नहीं था तो वन अपॉन में हो जाएगा और ये इसके डिवाइड पहुंच जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर dx अपॉन में dy माइनस का वन अपॉन बाय x इक्वल टू में टू वाई स्क्वायर अपॉन में बाय हो जाएगा, और ये बाय से बाय क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो ये बनेगी आपके पास dx अपॉन में dy माइनस का वन अपॉन बाय इक्वल टू में आपके पास टू वाई बनेगा। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन द टर्म ऑफ एक्स बन गई है। आप इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके बाद पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जब अगर नीचे डी वाई गिवन होता है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे जितने भी इंटीग्रेशन होते हैं वाई के रिस्पेक्ट में ही होते हैं, तो इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे अपन, यहां पर लिखेंगे कंपेयर वाई, किससे कंपेयर करेंगे अपन, यहाँ पे कंपेयर वाई इसके स्टैंडर्ड फॉर्म डी एक्स अपॉन में डी बाय प्लस का पी एक्स इक्वल टू क्यू से कंपेयर करेंगे, तो ये पी की जो वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का वन अपॉन बाय हो जाएगा, क्यू की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, पर फिर भी अपन यहां पर लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर पी डी वाई होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्वेश्चन में ओनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का बोला है आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको अपन शॉर्ट में आई एफ भी बोलते हैं, if equal to e to the power pd by होगा, जब यहां पर नीचे dy गिवन होता है तो आगे जितने भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होते हैं वो सभी y के रिस्पेक्ट में ही होंगे, जब dx गिवन होता है तो सब x के रिस्पेक्ट में गिवन होते हैं, p की वैल्यू रख देंगे, if equal to में e to the power माइनस का वन अपॉन बाय डी बाय हो जाएगा, तो वन अपॉन बाय का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर में वन अपॉन बाय का इंटीग्रेशन log y हो जाएगा, वन अपॉन बाय का इंटीग्रेशन लॉग वाई होता है ई टू दी पावर में लॉग वाई। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है लॉग एम के पावर एन होता है, तो ये उससे पावर इसकी बन जाएगा आई एफ इक्वल टू में, तो ये बचेगा ई की पावर में लॉग बाय टू दी पावर माइनस वन। अब ई की पावर में लॉग होता है तो लॉग हट जाता है, तो आपके पास जो बचेगा आई एफ इक्वल टू में सिंपल बाय टू दी पावर माइनस वन, इसका मतलब इसका जो आई एफ है वो आपके पास वन अपॉन में वाई आ जाएगा, ये e की पावर लॉग होगा तो लॉग हट जाता है, केवल अंदर जो लिखा है वो बचेगा, ये कंडीशंस बहुत बार आपके इसमें यूज होगी,
एक बार वो समझेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपके पास, वो बोल रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आईएफ आपको फाइंड करना है। तो जब आईएफ आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अभी तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन है बुक है कि यहाँ पे एक्स के फॉर्म में इक्वेशन बन रही है, लेकिन एग्जाम हॉल में कभी पता नहीं चलता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे कंडीशन होती है। तो एक बार रफ में चेक करके देख लेना कोई एक्स में कन्वर्ट हो रही है कि बाय में। अगर यहाँ पे अपने डी बाय को पहले ये माइनस वाली जो टर्म थी उसको उधर ले गए, डी बाय को उसके डिवाइड में ले आएंगे, फिर एक्स वाली टर्म को इधर लेके आ जाएंगे, बाय कॉमन लेंगे, बाय कॉमन लेने के बाद उधर पहुंचा दिया, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द टर्म ऑफ एक्स बन जाएगी फर्स्ट ऑर्डर की। आप इसको कंपेयर करोगे dx अपॉन dy प्लस का px इक्वल टू q से, तो p की वैल्यू आपके पास माइनस वन अपॉन y मिल जाएगा, q की वैल्यू आपके पास 2y मिल जाएगी। if का फॉर्मूला e टू दी पावर p d by होता है, y की वैल्यू माइनस वन अपॉन y, वन अपॉन y का इंटीग्रेशन log y हो जाएगा, माइनस वन log m की पावर n से इसकी पावर हो जाएगा, e टू दी पावर log होता है log हट जाएगा, तो आपके पास if इक्वल टू वन अपॉन में y मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने पास गिवन है y e की पावर y dx इक्वल टू y क्यू प्लस 2x e टू द पावर y dy y नॉट इक्वल टू 0। ये y नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, इसका क्वेश्चन बनाने में यूज हुआ है, क्वेश्चन सॉल्यूशन में इसका कोई यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये dy उसके डिवाइड में लेके जाते हैं, तो बचेगा y e टू द पावर y dx अपॉन में dy इक्वल टू में y क्यू प्लस का 2x e to the power by, इस टाइप से बचेगा। अपन यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले x वाली टर्म को इधर ले आएंगे, क्यों, क्योंकि x के टर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बन रही हैं, तो ये बचेगा by e to the power by dx upon में dy minus का 2x e to the power by equal to आपका y क्यू बनेगा। और अपन ने अभी पढ़ा है कि जब भी dx upon dy के साथ में कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में होती है तो उसको अपन कॉमन लेते हैं, और कॉमन नहीं आ रही है फिर भी कॉमन लेते हैं, तो यहां से बाय e की पावर y कॉमन आ जाएगा, तो ये अपने पास dx अपॉन में dy और इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा e टू दी पावर y अपॉन में, ये अपने पास क्या पहुंचेगा बाय इंटू e की पावर y। अपन डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते थे e की पावर y, यहां भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों का मीनिंग सही है, ये e की पावर y से e की पावर y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली टर्म इसके डिवाइड में पहुंच जाएगी, तो आपके पास जो टर्म बनेगी dx अपॉन में dy माइनस का ये अपने पास बचेगा वन अपॉन में y और ये 2 अपॉन y x इक्वल टू में y क्यू अपॉन में ये बचेगा y इंटू e टू दी पावर y, एक y से ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी स्टेप फाइनल इक्वेशन बनेगी डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस का 2 अपॉन में y इंटू x इक्वल टू y स्क्वायर और e की पावर माइनस का y, मैं इसको स्टेप से ले जाता हूं। अब ये अपने पास जो इक्वेशन बनी है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द टर्म ऑफ x है, तो इसको अपन कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो यहां पे लिख देंगे अपन यहां पे कंपेयर बाय, क्वेश्चन को कितना डेकोरेट करके लिखना है उसके मार्क्स पे डिपेंड करता है, अगर ये 1 मार्क्स में जाता है तो जल्दी जल्दी आप कर देंगे, और अगर ये ज्यादा नंबर का आता है तो आप यहां पे लिखेंगे दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन द टर्म ऑफ एक्स, सो कंपेयर बाय, इस टाइप के आप वर्ड यूज कर सकते हैं, कंपेयर बाय। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है अपने पास डी एक्स अपॉन में डी बाय प्लस का पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस टाइप से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। P की जो वैल्यू मिल जाएगी अपने पास यहाँ पे P इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2 अपॉन में y और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे y स्क्वायर e टू दी पावर माइनस y, तो ये Q ये हो जाएगा अपना y स्क्वायर e टू दी पावर माइनस y। अब अपन को यहाँ पे Q की जरूरत नहीं होती है IF निकालने में इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, फिर भी अपन उसको लिख दे छोड़ देते हैं सर। अब IF का फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF के लिए फॉर्मूला जो रहता है, तो इसको अंदर ये क्वेश्चन छोटे हैं 1 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन है, आई एफ इक्वल टू में ई टू दी पावर पी डी वाई, इस टाइप से। और मैंने बार बार बोल रहा हूं कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे डी वाई गिवन होता है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे जितने भी इंटीग्रेशन होते हैं y के रिस्पेक्ट में होते हैं, नीचे dx होता है तो x के रिस्पेक्ट में होते हैं, p की वैल्यू रख देंगे अपन यहां पे, तो आई एफ इक्वल टू में ई टू दी पावर पी, पी की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस 2 अपॉन y इंटू डी वाई, उधर माइनस का 2 बाहर निकल जाएगा, वन अपॉन बाय का इंटीग्रेशन लॉग बाय हो जाएगा, आई एफ इक्वल टू में तो ई टू दी पावर में ई की पावर में अपने पास क्या चलेगा ई की पावर माइनस 2 लॉग बाय, इस टाइप से। ये माइनस का जो 2 है उसको अपन पावर बना देंगे, कौन से फॉर्मूले से, कौन से आइडेंटिटी, लॉग एम की पावर एन होता है तो एन लॉग एम हो जाता है, आई एफ इक्वल टू में ई टू दी पावर लॉग बाय की पावर माइनस 2 हो जाएगा सर, लॉग एम की पावर एन से, तो e की पावर लॉग होता है तो लॉग हट जाएगा, आपके पास आंसर जो बचेगा आई एफ इक्वल टू में
बाय की पावर माइनस टू ही अपना आंसर बचेगा इस टाइप से। तो सिंपल से क्वेश्चन है, पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के साथ देखेंगे कि डीएक्स अपॉन डीवाई के साथ में किसी का मल्टीप्लाई तो नहीं है, अगर किसी का मल्टीप्लाई है तो उसको कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप उसको डीएक्स अपॉन डीवाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से कंपेयर करेंगे। पी और क्यू जो है अगर एक्स के फॉर्म में बनती है तो पी क्यू बाय के फंक्शंस होती है, तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मुला होता है ए की पावर में पी डीवाई, पी की वैल्यू रखेंगे माइनस टू अपॉन बाय डी वाई, माइनस टू बाहर निकल गया, वन अपॉन बाय का इंटीग्रेशन लॉग बाय हो जाएगा, माइनस टू पावर हो जाएगी उसकी, ई टू दी पावर लॉग होता है, लॉग हट जाएगा, तो आपका आंसर आई आई एफ इक्वल टू हो जाएगा बाय की पावर माइनस टू या वन अपॉन बाय स्क्वायर लिख सकते। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड में भी अपन को आई एफ फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इक्वेशंस गिवन है डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस वाई लॉग वाई डी वाई इक्वल, ये अपने को गिवन है और ये बाय ग्रेटर देन जीरो, ये क्वेश्चन बनाने में इसका यूज हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका कोई यूज नहीं है। तो सबसे पहले जब कभी ऐसे क्वेश्चन होती है जिनमें दो दो प्लेसेस पर डी वाई आ रहा है या डी एक्स आ रहा है तो उनको सेपरेट कर लेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कंपेयर करेंगे, फिर अपन आई एफ फाइंड करेंगे। तो ये डी वाई वाली टर्म को उधर ले जाएंगे तो आपके पास बचेगा डी एक्स इक्वल टू में ये बचा ई की पावर माइनस वाई लॉग वाई डी वाई, माइनस का ये डी एक्स डी वाई इधर आ जाएगा तो एक्स इंटू डी वाई अपन इधर लेके आ गए। अब इन दोनों में से डी वाई अपन सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, तो ये जो अपने पास बचेगा डी एक्स इक्वल टू में यहां से आपने डी वाई कॉमन ले लिया तो ये आपके पास बचा ई की पावर माइनस वाई लॉग वाई और माइनस का एक्स, इस टाइप से बचेगा डी वाई इसके डिवाइड में आ जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू में ई की पावर माइनस वाई लॉग वाई और माइनस एक्स, एक्स वाली टर्म को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस का एक्स इक्वल टू में ई की पावर माइनस वाई लॉग वाई। तो ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी किसके फॉर्म में, इन द टर्म ऑफ एक्स, क्योंकि देखो आप यहाँ पे जब इसको कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट वन है और ये y वाली टर्म बन रही है तो अपन इसको लिख देंगे दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन द टर्म ऑफ x कंपेयर बाय, इसको आप इससे कंपेयर करोगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर बाय, तो कंपेयर करेंगे तो क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला डी वाई अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस का पी एक्स इक्वल टू क्यू, इससे कंपेयर करोगे तो आपको पी की जो वैल्यू मिलेगी वो अपने को वन मिल जाएगी, यहाँ पे पी की वैल्यू वन हो गई है, क्यू की जो वैल्यू मिलेगी क्यू की वैल्यू ई की पावर में माइनस वाई और ये अपने को लॉग वाई, पी और क्यू की अपने को दोनों वैल्यू मिल गई है। जब पी मिल गए तो अपन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इसको शॉर्ट में आई एफ भी लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू में आपका फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर पी डी वाई, बाय की जो वैल्यू है आपके पास वो वन गिवन है वन पी डी वाई, पी की वैल्यू आपके पास गन गिवन है वन की वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ पे पी की वैल्यू अपन यहाँ वन सब्स्टिट्यूट कर देंगे ई की पावर में वन डी वाई, तो ये क्या हो जाएगा आई एफ इक्वल टू में ई की पावर में वाई, ये अपना आंसर आ गया आई एफ आ जाएगा, सिर्फ उसने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा। अब इसका क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में अपने को आई एफ फाइंड करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया हुआ है अपने को, लेकिन यहाँ पे डीएक्स अपॉन डीवाई के साथ में मल्टीप्लाई में टर्म आ रही है वन माइनस वाई स्क्वायर, तो वन माइनस वाई स्क्वायर को अपन सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, तो वन माइनस वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो डीएक्स के साथ में तो कॉमन पहुंच जाएगा, डीएक्स अपॉन डीवाई से कॉमन निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपने पास इसके अपॉन में नहीं है तो वन बाय अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू में ए वाई हो जाएगा, तो ये जो ए वाली टर्म है इसके डिवाइड में पहुंच जाएगी, तो आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी डीएक्स अपॉन में डी बाय प्लस का बाय अपॉन में वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ए बाय अपॉन में कितना हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर। इसको अपन कंपेयर करेंगे, सबसे पहले किससे कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ एक्स, तो आप इसको कंपेयर करेंगे किससे स्टैंडर्ड फॉर्म से, यहाँ पे कंपेयर करेंगे यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर वाई, तो कंपेयर करते हैं उसकी इक्वेशन डीएक्स अपॉन में डी वाई प्लस का पी एक्स इक्वल टू क्यू से कंपेयर करेंगे, तो जो p की वैल्यू मिलेगी आपको p इक्वल टू में क्या मिलेगा अपने पास y अपॉन में वन माइनस वाई स्क्वायर और q इक्वल टू कितना बच जाएगा आपके पास ए वाई अपॉन में वन माइनस वाई स्क्वायर, और ये तो तुमको पहले से ही पता है कि आई एफ निकालने में q का यूज नहीं होता है, फिर भी अपन उसको लिख रहे हैं। आई एफ निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे आप उसका पहले फॉर्मूला लिख देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको शॉर्ट में आप आई एफ भी बोलते हैं, तो आई एफ इक्वल टू में ई टू दी पावर पी डी बाय होगा,
जब बाय के रिस्पेक्ट में इक्वेशन दिए, नीचे बाय दिया है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सब इंटीग्रेशन बाय के फॉर्म में होंगे। आप यहाँ पे आई एफ इक्वल टू में ई की पावर में पी डी वाई, पी की वैल्यू रख देंगे, पी की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन में बाय वन माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बाय अपॉन में वन माइनस वाई स्क्वायर अपन ने वैल्यू रख दी है। और यहाँ पे ई की पावर में इंटीग्रेशन होगा और छोटा छोटा इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे इसको टी कंसिडर करना पड़ेगा, आप देख पा रहे होंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में बैठा है, तो यहाँ पे, और ये आपने डिफरेंशिएशन जब पढ़ा है तो सीखा होगा कि जब भी अपन जिसको टी कंसीडर कर रहे हैं, अगर उसके प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में कोई कॉन्स्टेंट टर्म होती है तो उसको भी साथ में ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे वन माइनस बाय स्क्वायर को अपन पूरा टी कंसिडर कर लेंगे, तो बनकर डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का टू वाई डी बाय इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी, ये माइनस टू वाई उसके डिवाइन पहुंच जाएगा, तो बाय डी वाई इक्वल टू में माइनस वन अपॉन टू डी टी, इस टाइप से हो जाएगा। तो बाय डी वाई के प्लेस पे आप माइनस वन अपॉन टू डी टी रख देंगे, वन माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस पे टी रख देंगे। आई एफ इक्वल टू में ई टू दी पावर, तो ई की पावर में अपने पास क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस वन अपॉन टू वन निकल जाएगा, वन अपॉन टी डी टी इंटीग्रेशन हो जाएगा। अपने बाय डीवाई के प्लेस पे माइनस वन अपॉन टू डी टी रख दिया है, वन माइनस बाय स्क्वायर के प्लेस पे आपने टी रख दिया है, वन अपॉन बाय टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपका लॉग टी हो जाएगा। तो ई की पावर में माइनस वन अपॉन टू ये आपका लॉग टी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा दोगे कौन सी लॉग एम की पावर एन से, तो ये माइनस वन अपॉन टू इसकी पावर बन जाएगी। आई एफ इक्वल टू में ई टू दी पावर लॉग टी की पावर माइनस वन बाय टू हो जाएगा। और ये अपन आइडेंटिटी पढ़े कि e की पावर लॉग होता है तो लॉग हट जाता है, तो आपका आई एफ इक्वल टू में क्या बचेगा, सिर्फ t की पावर माइनस वन बाय टू बचेगा, जिसको आप यहाँ पे पहले t की वैल्यू भी रख देते हैं, तो आई एफ इक्वल टू t की वैल्यू वन माइनस बाय स्क्वायर है और ये माइनस का वन अपॉन टू, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आई एफ इक्वल टू में आपके पास वन अपॉन में ये रूट के रूट भी लिख सकते हैं, वन माइनस बाय स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ये तो थे अपने एमएल अग्रवाल अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.5 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसमें अपन को जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। बाकी सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स के लेक्चर्स की सीरीज में हम लोग क्लास 11th क्लास 12th के पूरे लेक्चर्स डालने वाले हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो आप हमको कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चंस का आप हमको वीडियो बनाइए, हम आपकी हर टाइप से हेल्प करेंगे और सभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा थैंक यू।